बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई नई योजना का शुभारंभ करेंगे, साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। जहाँ 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई नई योजना का शुभारंभ करेंगे, साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सीनियर कॉरेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, सीएम योगी के दौरे को लेकर क्या अधिक जानकारी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा उदय कि लगातार मुख्यमंत्री दौरे पे रह रहे थे। गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनाव जहाँ एक तरफ थे, वही दूसरी तरफ प्रचार थम चुका है और कल वोटिंग होनी है, यानी 5 तारीख को मतदान होना है और आज 3 तारीख हो चुकी है। अब चुनाव प्रचार थम चुका है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर रवाना हुए, जहां पर करोड़ों की सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है। 6 लेन सेतु का निर्माण हुआ है वहां पर, जो काफी दिन से प्रस्तावित था, और गोरखपुर की जनता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि वहां पे जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वो कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और अपनी इन बातों को सही करने के लिए आज वो अमली जामा पहनाने को तैयार है। गोरखपुर में आज 6 लेन पुल का आज लोकार्पण करेंगे, साथ में उनके कई मंत्री और सांसद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो उसके बाद में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का समय दिया गया है, साथ ही साथ जो आज का प्रोग्राम आया है इसमें 3 लोगों से मिलना है, और जो मुख्य रूप से प्रोग्राम है वो यही है कि 6 लेन ऊपरगामी क्षेत्र का लोकार्पण करना। जी शशांक जी, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। तो आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।